नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बैंकिंग नॉलेज में। इस वीडियो में जानेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक के बारे में कि किनकी सर्विस कितनी बेहतर है। आज इसी टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि फिनो पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक में किनकी सर्विस कितनी बेहतर है। चलिए जानते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप फिनो पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलाएंगे तो आपको फिनो पेमेंट बैंक में 338 रुपये का अमाउंट पे करना होगा अकाउंट ओपन के लिए। वहीं अगर एयरटेल पेमेंट बैंक की बात की जाए तो आपको 50 रुपया पेमेंट करना होगा। अगर मेंटेनेंस की बात की जाए तो आपको फिनो पेमेंट बैंक में 1000 रुपया मेंटेनेंस करना होगा। वहीं आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में कोई भी मेंटेनेंस करना नहीं पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो आपको फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से 3.5% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं एयरटेल पेमेंट बैंक में आपको 2.5% इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं अब एटीएम के बारे में। आपको दोनों भी अकाउंट में आपको एटीएम की सुविधा मिल जाएगी। अगर फिनो पेमेंट बैंक की बात की जाए तो आपको इसमें एटीएम कार्ड के लिए 250 रुपया पेमेंट करना होगा और आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में 0 रुपया चार्ज देना होगा। आपको फिनो पेमेंट बैंक में डिजिटल एटीएम मिल जाएगा और फिजिकल एटीएम दोनों प्रकार के एटीएम की सुविधा मिल जाएगी। वहीं आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में केवल डिजिटल एटीएम कार्ड की ही मिल पाएगा। डिजिटल एटीएम कार्ड को लेकर के आप केवल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई भी एटीएम में जाकर के आप निकासी नहीं कर सकते हैं। वहीं फिजिकल एटीएम की बात की जाए तो आप फिजिकल एटीएम के माध्यम से एटीएम के में जाकर के आप निकासी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पासबुक के बारे में। यदि आप फिनो पेमेंट बैंक में फर्स्ट टाइम पासबुक लीजिएगा तो आपको फ्री में पासबुक मिल जाएगा। वहीं आपको एयरटेल पेमेंट बैंक भी फर्स्ट टाइम में फ्री में मिल जाएगा। अगर आपका पासबुक गुम हो गया हो या फिर कहीं नहीं मिल, कोई कारणवश नहीं मिल रहा हो, तो आप सेकेंड टाइम में जब लीजिएगा तो आपको फिनो पेमेंट बैंक में 10 रुपया चार्ज देना होगा उसी पासबुक के लिए, और आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर SMS की बात कर ले तो आपको SMS के रूप में फिनो पेमेंट बैंक में 5 रुपया पर मंथ के हिसाब से देना होगा। आपका हर महीने में 5 रुपया कट जाएगा। वहीं अगर एयरटेल पेमेंट बैंक की बात की जाए तो आपको 3 महीने में 10 रुपया देना होगा SMS चार्ज। चलिए बात करते हैं आप निकासी के बारे में। अगर आप आधार के माध्यम से निकासी करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपको डेली फिनो पेमेंट बैंक में 10,000 रुपया निकासी कर सकते हैं। डेली के हिसाब से आप 10,000 रुपया ही निकाल सकते हैं। एक दिन में मात्र आप एक ही ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट के साथ कर सकते हैं और मंथ में आप 15 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 50,000 रुपया तक निकासी कर सकते हैं आधार कार्ड के माध्यम से। वहीं बात की जाए एयरटेल पेमेंट बैंक की तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक के माध्यम से डेली 10,000 निकाल सकते हैं और एक दिन में मतलब दो ही ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, अर्थात दो बार निकासी कर सकते हैं। और मंथ की बात की जाए तो आप 50,000 रुपया निकाल सकते हैं और 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक महीने में, आप 5 बार निकाल सकते हैं। वहीं अगर क्लोजिंग की बात की जाए, अगर आप फिनो पेमेंट बैंक का अकाउंट क्लोज कीजिएगा तो आपको उसके लिए 200 रुपया चार्ज देना होगा अकाउंट बंद कराने के लिए। वहीं अगर एयरटेल पेमेंट बैंक की बात की जाए तो अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन कराने के बाद उसे क्लोज करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो इतनी सारी फैसिलिटी आपको ये दोनों बैंकों की तरफ से मिल जाएगी। किसकी फैसिलिटी आपको सबसे बेहतर लगी ये हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।